कौन कहता है कि मुसलमान उस सख्त तकलीफों से नहीं गुजरेगा दुनिया की काटने के बाद जो आखिरत में अल्लाह ने लिखी है? ये किसने कहा कि यही जाएंगे सर? कौन कहता है मुसलमान आग के अजाब में जलाया नहीं जाए? मुसलमान ने वो नाफरमानी अगर कर दी, मुसलमान ने अगर अल्लाह की वो बात नहीं मानी जो डिवाइन डॉक्ट्रिन में है, तो जहन्नम में ये पहले जाएंगे। इस हद तक के बिल्ली को पानी नहीं पिलाने के ऊपर एक औरत को जहन्नम में डाला। वो अल्लाह ने ह्यूमन राइट्स को छोड़ के अल्लाह ने एनिमल राइट्स पे लोगों को जहन्नम में डाल दिया। आप कहती हैं मुसलमान बच जाएगा यहां पर? कौन कहता है मुसलमान आग के अजाब में जलाया नहीं जाएगा? कौन कहता है कि मुसलमान उस सख्त तकलीफों से नहीं गुजरेगा दुनिया की काटने के बाद जो आखिरत में अल्लाह ने लिखी है? ये किसने कहा कि यही जाएंगे सर? मुसलमान ने अगर वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट तोड़ दिया, मुसलमान ने वो नाफरमानी अगर कर दी, मुसलमान ने अगर अल्लाह की वो बात नहीं मानी जो डिवाइन डॉक्ट्रिन में है, तो जहन्नम में ये पहले जाएंगे। क्योंकि ये जानता था, इसको पता था, जब अल्लाह ताला एक मुसलमान को बदनजरी, बदजुबानी, बदकलामी, जिना, सूद, इन सब की पनिशमेंट्स लिखी हुई है, बल्कि किसी ने अगर गलत तरीके से घूरा भी है किसी को और उसमें तकब्बुर और फ़खर था और एरोगेंस और प्राइड थी, अल्लाह इस पर भी पकड़ कर लेगा। इस हद तक कि बिल्ली को पानी नहीं पिलाने के ऊपर एक औरत को जहन्नम में डाला, वो मुसलमान थी अल्लाह ने, ठीक है, अगर मुसलमान नहीं भी थी, वो जिस कौम की भी थी, अल्लाह ने ह्यूमन राइट्स को छोड़ के अल्लाह ने एनिमल राइट्स पे लोगों को जहन्नम में डाल दिया। आप कहती हैं मुसलमान बच जाएगा यहाँ पर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दुनिया के अंदर अल्लाह की निगाह के अंदर जजमेंट के फैसले में अल्लाह मुसलमान को भी जहन्नम में डालेगा और नॉन मुस्लिम को भी जहन्नम में डालेगा, कि हमेशा हमेशा का अजाब किसको होगा? जिसने ह्यूमन इंटेलेक्ट, मैंने जुमले इस्तेमाल की है, ह्यूमन इंटेलेक्ट, स्पिरिचुअल सेंसिबिलिटी, ठीक है, इनर प्रिंसिपल्स के थ्रू और अपनी लॉजिकल माइंडसेट्स के थ्रू अपना एक बाप तो एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे दो बाप नहीं हो सकते, मैदान में एक तलवार को एक्सेप्ट कर लिया कि दो तलवारें नहीं हो सकती, सिस्टम में एक हाकिम और हुकूमत को एक्सेप्ट कर लिया, दो हाकिमों को नहीं एक्सेप्ट कर सकती, माइंड ने यह समझ लिया जंगल का एक बादशाह तो हो सकता है, दो नहीं हो सकते, मगर जब कायनात बनाने की बारी आई तो उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 3,000 खुदाओं को कबूल किया कि ये सब ओन करते हैं इस पूरी यूनिवर्स को। ये एक ऐसा लॉजिकल रैशनल तोड़ा गया है यहां पर, जिसकी सजा हमेशा हमेशा के लिए दी जाएगी, क्योंकि ये एक बच्चा भी जानता है कि एक हो सकता है, दो नहीं हो सकते। अगर ये एक मुसलमान कोड तोड़ता है, वो भी हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा, और अगर ये एक गैर मुस्लिम कोड तोड़ता है, वो भी हमेशा जहन्नम में जाएगा।